वाराणसी से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। पत्रकार मयंक के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब बरसाया प्यार। सोशल मीडिया और दूरभाष के माध्यम से लोगों ने भी बधाया। वाराणसी, समाज के बीच एक शख्सियत ऐसी है जिनको शायद ही कोई व्यक्ति जानता या पहचानता ना हो, लेकिन आपको बता दें, इस शख्सियत को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि समाज और लोगों के बीच निडर पत्रकारिता, निष्पक्ष लेखनी, बेबाक बोल, धारदार लेखनी से समाज के बीच में बहुचर्चित काशी के रहने वाले युवा पत्रकार मयंक कुमार कश्यप के जन्मदिन के अवसर पर लोगों ने सोशल मीडिया और दूरभाष पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। मयंक दिल्ली नोएडा के कई बड़े मीडिया संस्थानों में नौकरी करने के बाद अब वर्तमान समय में काशी में ही एक बड़े हिंदी दैनिक समाचार पत्र के लिए लिखते हैं और श्रमजीवी पत्रकार एसोसिएशन वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन से राजतालाब तहसील जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त है। मयंक वह शख्सियत है जो समाज में दबे कुचले वर्ग के लोगों की हर संभव मदद करते हैं और कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर समाज का भला करते रहते हैं। कोविड-19 कोरोना महामारी के दौरान भी मयंक ने असहयोग गरीब लोगों के बीच में बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री, राशन के अलावा सैनिटाइजर, गमछा का वितरण किया था। समय समय पर मयंक समाज के लोगों के बीच में जाकर जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। मयंक के जन्मदिन के अवसर पर तमाम सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से कई राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक संस्थाओं और मीडिया वर्ग से जुड़े लोगों ने ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयां दी। मयंक ने अपने जन्मदिन पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस जीवन में लोगों का भला और उनका दुख सुख बांटने का यह बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने जीवन को ऐसे ही लोगों के लिए समर्पित करना चाहता हूं, जो असहाय और जरूरतमंद लोग हैं, जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। मुझे लगता है कि शायद ईश्वर ने इस धरती पर मुझे इसीलिए जन्म दिया है ताकि मैं बेसहारा लोगों का सहारा बन सकूं। ऐसे लोगों की भरपूर मदद करके मुझे आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है और मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उन लोगों को भी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। मयंक ने यहाँ भी बताया कि वह हर वह काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, ना कि इसलिए करते हैं कि लोगों को अच्छा लगे। मयंक ने कई एल्बम में लीड रोल का काम भी किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहने के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनको रील्स वीडियो बनाने में बहुत दिलचस्पी है। शुभकामना देने वालों में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शिव प्रकाश सिंह, विकासशील इंसान पार्टी के जिला अध्यक्ष सुचित कुमार साहनी, युवा फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा चौधरी, भाजपा नेता व सांसद सलाहकार मत्स्य पालन मेंबर शशि भूषण कश्यप, जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व जिला अध्यक्ष पद्माकर सिंह सोनी, डॉक्टर आर के सिंह, युवा समाज सेवी आनंद कश्यप, समाजवादी पार्टी के युवा नेता सुजीत गुप्ता, सपा नेता मुरारी कश्यप, मानवाधिकार आयोग महिला प्रमुख रेणु सिंह, उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद संस्था से आशीष मोदनवाल, द ट्रू मिरर हिंदी समाचार पत्र के संपादक काली शंकर उपाध्याय, समाज सेवी विभू पांडे, युवा समाज सेवी शैलेश वर्मा, कहार कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रवेश कहार, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव व बार काउंसिल अध्यक्ष अनिल वर्मा, गवर्नमेंट सीट्स विभाग के रीजनल मैनेजर आर के राम, दैनिक जागरण से श्रवण भारद्वाज, अमर उजाला से राजेश पांडे, प्रणव सिंह, हिंदुस्तान से नरेंद्र शर्मा, काशी वार्ता उप संपादक कृष्ण कुमार गुप्ता के अलावा कई अलग अलग संस्थानों से लोगों ने फोन कर बधाइयां दी, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के लोग भी शामिल रहे।